वेलकम टू साइबर फाई हब। आज देखने वाले हैं एक इनक्रिप्टेड पेन ड्राइव से फाइल फॉर्मेट करने के बाद क्या वो रिकवर हो सकता है या नहीं। चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो सबसे पहले हम डेटा रिकवरी के लिए रिकुआ का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर जाएंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का बिंग जो सर्च इंजन है वहां पे सर्च किया रिकुआ, और अब सर्च करने के बाद सीधा डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप यहां पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये cccleaner.com करके एक वेबसाइट है और ये इसी का प्रोडक्ट है। फिलहाल फ्री वर्जन हम यूज़ करेंगे इसका, कोई प्रोफेशनल यूज़ नहीं कर और कोई टोटल क्लीनर वगैरह नहीं चाहिए। और फ्री वर्जन में हमें एडवांस रिकवरी ऑप्शन मिलेगा, बाकी कुछ वर्चुअल हैं और कुछ अदर अपडेट्स वगैरह हैं, तो फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए। फ्री वर्जन पे क्लिक करते हैं डाउनलोड, और ये अब डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट होता है हम इसको सीधा इंस्टॉल करेंगे हमारे इसी मशीन में। तो ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट की स्पीड पर, कितना स्पीड आपको आ रहा है उतना जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। अब जैसा कि ये डाउनलोड हो चुका है तो आप इस फाइल पर सिंगल क्लिक करिए और इसके बाद यस कर दीजिएगा, और अब ये फाइल एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है। रिकुआ वर्जन 1.54 और इंस्टॉल पर सिंपल क्लिक करिए और ये डिफॉल्ट जिसका पाथ है वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल हमें कुछ पढ़ने नहीं है, आर्टिकल्स वगैरह जो भी है तो इसका चेक हटा लें और सीधा रन कर दीजिए। रन करने के बाद आपको यहाँ पर ये फर्स्ट इंटरफेस मिलेगा विजार्ड। फिलहाल उससे पहले हम एक बार पेन ड्राइव को देखते हैं। तो ये हमारा फाइल जो हमने कल यहाँ पर स्टोर किया था इनक्रिप्शन मोड में। तो यहाँ पर जो सबसे टॉप पर आपको चार फोल्डर मिल रहा है, ये इनक्रिप्टेड फाइल है वो जो कल इमेजेस हमने स्टोर किए थे एक्सेस ये इनक्रिप्शन जो टूल है इसके अंदर। और ये सैंड डिस्क का अपना प्रोग्राम है, और ये जो प्रोग्राम फंक्शन करता है प्राइवेट एक्सेस, ये सिर्फ और सिर्फ सैंड डिस्क के पेन ड्राइव में ही काम करता है। तो एक बार हम देख लेते हैं, ये फोटोज़ हैं अभी भी यहाँ पर स्टोर है, जैसा था वैसा का वैसा अभी भी यहाँ पर फिक्स स्टोर है। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ कि पेन ड्राइव को सबसे पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं और स्टार्ट कर देते हैं और यस। एंड देन जैसे ही ये कंप्लीट क्विक फॉर्मेट कर लेगा आप सिंपल इसको ओके करिए, क्लोज करिए। और जो ये फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पर देख सकते हैं, फिलहाल कोई फाइल नहीं है, बट फाइल एक्सप्लोरर क्लोज करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया। हमें सब फाइलें चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पिक्चर स्टोर किया था, बट किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं होगा तो वो ऑल ही करेगा। फिलहाल पाथ दे रहा हूँ यहाँ पे जो साइबर फेब का था, एफ ड्राइव था, इनेबल कर रहे हैं डीप स्कैनिंग को और ओके। अब थोड़ी देर आप आराम से बैठिए और थोड़ी देर बाद वापस आके अपनी स्क्रीन में आप देखेंगे कि ये कुछ रिकवर्ड फाइल्स हैं। तो ये वो फाइल नहीं है जो मैंने कल स्टोर किए थे मेरे इनक्रिप्टेड पेन ड्राइव के अंदर, ये इससे प्रीवियस जो फाइल है वही मेरे को अभी शो कर रहा है। तो ये कुछ रिकवर्ड है, इसका मतलब कि अगर आपने कोई फाइल इनक्रिप्ट किया है तो वो फिलहाल खोने के बाद पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के बाद भी रिकवर नहीं होने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।